यहाँ कर रही हो जान? डॉक्टर खुर्शीद के यहाँ हल्के की मीटिंग है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। किस मौजू पर? जिससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि साइकोएनालिसिस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अरे मैं तो नहाता तक नहीं हूँ जब तक इस बारे में सोचता हूँ। अच्छा, वैसे ऐसे अगर तुम थोड़ा और करो ना तो तुम्हें इसकी संजीदगी का अंदाजा होगा। लेकिन पिछले दो हफ्ते से तुमने इस बारे में कोई बात नहीं की, कहीं तुम्हारा ईमान इस पर कमजोर तो नहीं पड़ गया? नहीं, जैसे जैसे मुझ पर इसके मानी आश्कार हो रहे हैं मुझ पर हैरत के नए दरवाजे खुल रहे। और एक और बात बता दो सर, हुमा इस वक्त डॉक्टर खुर्शीद के पास है और देख लेना अन करीब मेरा कहा सच हो जाएगा। और उसके अलावा मैं आज मैंने कुछ नया दरियाफ्त किया है। क्या नया दरियाफ्त किया है? उसने जो शेरनी वाला ख्वाब सुनाया था, तुमने सुना था हमारे उसके बारे में क्या बताया था? क्या? कि शाकिर को शेर अली ज्यादा पसंद नहीं था। तो फिर क्या हुआ? तुमने उसके नाम पर गौर नहीं किया? किसके नाम पर? शेर अली के नाम पर। हुमा ने ख्वाब में देखा कि वो शेरनी है और शाकिर के दोस्त का नाम है शेर अली। तो शेरनी जंगल में घूम रही है और शेर जंगल का बादशाह होता है। हुमा शेरनी बनकर शेर को ढूंढ रही है और धाड़ रही है। हुमा शेर को ढूंढ रही है? नहीं, शेरनी शेर को ढूंढ रही है, मतलब हुमा शेर अली को ढूंढ रही है और आवाजें निकाल रही है। प्लीज, ये ख्वाब की ताबीर कैसे हो सकती है? ये तो ऐसे है जैसे हुमा के मियां का नाम शाकिर है, आप शाकिर का अलिफ निकालते हैं तो क्या बनता है? शकर। तुम्हारा नाम शीरी है, शकर जो है शीरी, शकर जो है वो शीरी होती है। शाकिर, शीरी, शीरी, शाकिर। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी जो फ्रॉइड की नाम वाली थ्योरी है ना, दिस इज नो मोर वैलिड। प्लीज शीरी। हाँ, और तुम्हें पता भी है शाकिर कितना जज्बाती आदमी है, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। भाई उनके जज्बाती होने से ना उनकी कोई मदद नहीं होने वाली, हमें जिंदगी की संगीन हकीकतों का सामना करना आना चाहिए। अगर उसकी दबी हुई ख्वाहिश ये है कि शाकिर को छोड़ना है तो हुमा को उसे छोड़ना चाहिए। वाह, कितनी आसानी से कह दिया। शीरी तुम्हें पता है कि अगर शाकिर को पता चला कि उसकी जिंदगी में तूफान यहां से उठाए तो वो आखिरी हद से भी गुजर जाएगा। बताता है
कि माधुमा की जो दीवारें हैं ना वो ये जाहिर करती हैं कि शादी के मुतालिक मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, और श्री जब ये दीवारें बिल्कुल गायब हो रही है ना तो मेरी दबी हुई ख्वाहिश, मेरा सप्रेस डिजायर, मेरे लाशौर की ख्वाहिश पूरी हो रही है श्री। यकीनन कोई बड़ी गलत फहमी। श्री सुनो, और मेरे लाशौर में क्या क्या? तुम बस कर कौसर, तुमने जरूर उन्हें ये बताया होगा कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। कसम ले लो मैंने कुछ भी नहीं बताया, वो तो डॉक्टर साहब की फहम और दानिश थी कि उन्होंने सब कुछ उगलवा लिया। मैंने बहुत बरगलाने की कोशिश की, ऐसा चालाक और जमीदा फौरन समझ गया मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हारे नजदीक उनका कहा सच है? मैंने कब कहा? लेकिन जब तुम यहाँ आए थे तो इतने खुश क्यों थे? हेलो जान, क्या कर रही हो? मैं खुश हूँ, मेरे तो अंदर की दुनिया ऊपर नीचे हो गई श्री। तुमने देखा नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया था और यकीनन उदास था, मैंने ये भी तो कहा था। मुकम्मल आजादी पर यकीन रखी। नाराज क्यों थी हो यार? अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अभी तो मेरे कपड़े भी नहीं धुले। क्या? I'm sorry, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? Sorry. देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम आज रात जा सकते हो। वो कमजोर औरतें होती हैं जो डगमगा जाती हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आज भी इस बात पर यकीन रखती हूँ कि साइको एनालिसिस इस सदी की दरियाफ्तों में सबसे बड़ी एक है। हाँ, इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ बारीकियां हैं जिन्हें समझा जाना चाहिए था, लेकिन श्री, प्लीज रो मत। श्री, मैं अपना काम खत्म कर लूं जब तक मुझे यकीन है कि तुम अंदर जाकर अपना सामान बांट लो। आई एम सॉरी श्री, मेरे लाशऊर की ख्वाहिश से तुम्हें तकलीफ पहुंच गई। पागल हो गई हो? नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी अगर मेरे इस सरप्राइज
बात किसी से कह नहीं सकती थी, बल्कि इसलिए देखा कि मैं बचपन से तुमसे मुतासिर थी। तो इससे क्या साबित होता है? जो चीजें तुम्हें पसंद आती है वही मुझे, तो हमेशा से तुम्हारे नक्शे कदम पर चलती आई हूं। शादी के बाद ये सिलसिला रुक गया, शऊर से मैंने इन तमाम चीजों को निकाल दिया कि ये तमाम चीजें अब मेरे लाशऊर में जाके बस गई हैं। और अब जो मैंने खुद को शेर ही देखा है तो वो इसलिए कि दूल्हा भाई का नाम असद है और असद तो शेर होता है, शेरनी शेर के लिए होती है। कैसा शेर होता है असद? शेर कैसे हो सकता है? असद का मतलब शेर होता है, कुछ और भी हो सकता है। नहीं, असद मतलब शेर। क्या हो रहा भाई? मतलब शेर? असद क्या शेर का मतलब असद होता है? मेरा मतलब है कि असद के नाम का मतलब शेर होता है। हाँ, असद के माने शेर के ही होते हैं। देखा बाजी? क्यों देखा? ये मेरे सब बचकाना बात है। अगर इसके नाम का मतलब शेर है तो क्या मतलब इसे शेर नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, ये आपने बताया था ना कि ख्वाहिशें छुप छुप कर वार करती हैं, तो मैंने ख्वाब में खुद को शेर नहीं इसलिए देखा कि मैं खुद को आपकी जगह देखती हूँ। गोया तुम मुझे चाहती हो ना? तो एनालिसिस की बात तो यही पता चला है। बहुत ही वाहियात बात है। वाले को भेज दूंगी। इस साइकोएनालिसिस ने मुझे बाजी कर दी।
वाकई तुम सच कह रही हो। हाँ तो देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी अब तुम इस मुतालिक कभी बात नहीं करोगी? मैं क्यों बात करूंगी, क्यों करूंगी मैं कोई बात? मैं देख चुकी हूँ कि इसका लोगों पर क्या असर होता है। और उमा, उमा तो इस बारे में बिल्कुल पागल ही हो गई है। आपको मुझसे छीन रही है। चीनी कसम उठाओ कि आइंदा मुझे कभी नींद से उठाकर नहीं पूछोगी मैं क्या ख्वाब देखा। मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपको नींद से उठाऊं और पूछूं कि आप क्या ख्वाब देख रहे हैं? और अपनी किताबें भी यहाँ से डालोगी? मैंने सब किताबें बेच कर सारे पेपर जला दूंगी। चीनी अगर तुम साइकोएनालिसिस से एलर्जी इख्तियार करती हो तो मैं क्यों तुमसे लड़ूंगा? लेकिन बात सुने, मेरी सरप्राइज जाया का क्या होगा? सप्रेशन का ये अमल जारी रहना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है।